ये हमारा 1.5 लाख रुपए का जिंदा पड़ा पिक्चर में देखा था, उसके हिसाब से बनवाया मकान। कौन सी पिक्चर थी जो? और राजकुमार की थी यार कोई पिक्चर, इसमें 8 लाख रुपए करीब आ गया, 8 लाख रुपए लग गए हमारे लगभग। आज हम आए हुए हैं संजय उर्फ कल्लू त्यागी जी के यहाँ। 3 बीघे में इन्होंने शानदार घर बनवाया हुआ है। घर का इंटीरियर इतना शानदार है की 5 स्टार होटल जैसा लगता है। बहुत ही बड़े जमींदार है। चलिए तो अंदर चलते हैं, करते हैं इनसे बातचीत। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। भैया अपना नाम बता दो। संजय त्यागी, ऐसे कल्लू त्यागी बोलते हैं। पिताजी का नाम मेरे महावीर सिंह मुखिया है, गाँव कालंद है। जो मैं आपके पीछे आलिशान मकान देख रहा हूँ, ये किसने बनवाया था जी? ये मैंने बनाया भाई। अरे सीमेंटेड इट्टे लगवा रखे हैं जी ये तो? हाँ ये तो टैल है जी, ये सीमेंट वाली। और ये कोटा है, और ये हमारा 40x18 का बरामदा हो गया। ये बरामदे से एंट्री है हमारी। ये हमारा 12x18 का कमरा हो गया ये वाला। हाँ जी, लाइटिंग तो बहुत बढ़िया लाइटिंग है, फोर सीलिंग करा रखी है हमने। इससे फिर हम ड्राइंग रूम में एंट्री होगी हमारी। ये इसमें जैसे मैं गेट देख रहा हूँ भैया, ये हाँ जी, ये गेट में लकड़ी कौन सी लग रही होगी? ये सब शीशम की लकड़ी है। और ये हमारे राधा कृष्ण जी का मंदिर है, ये भी हमने बिल्कुल स्पेस बनवाया। नहीं मंदिर बहुत बढ़िया बना रखा आपने, छोटे लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं। लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, ये हमने रसोई बनाई। किचन भी आपने मॉडल की तरह मॉडल, ये लाइट वाइट लगा करके बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लगा रखी है। किचन भी है टेल वेल, ये हमारी 10 रुपये, ये हमारी 12x10 की है। अच्छा यहाँ पे भी आपने लाइटिंग दे रखी है अभी। ये डिजाइन किसका था जी वाला? ये सब जो है एक लड़का सरदने का है। वैसे सब कुछ मैं फ्लैट बनाऊं जी तो मैं थोड़ा दिमाग चला लूं थोड़ा बहुत। हमारा एक कमरा ये होगा भाई, ये भी 12x18 का ही कमरा है। और जो है इसमें आपका ये अटैच बाथरूम बिल्कुल सेम ये वाला। और ये हमारे पिताजी हैं, क्या नाम है जी? महावीर सिंह मुखिया। हाँ जी, हाँ जी, और क्या नाम जी? हमारी माता जी है सरोज बाला जी, और इसमें 2 साल हो गए। इसमें भी आपने बहुत बढ़िया डिजाइन दे रखा है। तो इसके डिजाइन में कितना आ गया होगा खर्चा? ये 8 लाख रुपए करीब। तो ये हमारा रसोई पूजा घर ये बैठा जी, और फोर सीलिंग हमारी 150 रुपए फुट थी जी, और जो पीओपी हमारी मेरे ख्याल से 30-32 रुपए फुट लगवाई। पत्थर भी हमने सब मेरठ से लिया है, सब मेरठ का। हाँ ये 100 रुपए स्क्वायर फुट से हमारा चालू है पत्थर, और 500 रुपए स्क्वायर फुट लोग पत्थर लग रहा। देखो हमारा ये जो पत्थर है रसोई में, अच्छा अच्छा ये पत्थर, इसको बोलते हैं नैनो। क्या बोलते हैं? नैनो पत्थर। नैनो जी, ये 500 रुपए स्क्वायर फुट का पत्थर है, और 100 रुपए स्क्वायर फुट से हमारा कोई पत्थर कम आया ही नहीं। अच्छा अच्छा, अच्छा। और ये हमारा ये है जेड ब्लैक, ये भी लगभग 460 रुपए स्क्वायर फुट है। ये नैनो की पट्टी लगी हुई है जी। ये सब हमने 304 स्टील जी उसी का बनवाया है, प्योर बिल्कुल जी, शीशा वगैरह सब ये। अजी जिन्ने की ऊंचाई कितनी होगी इसकी? जिन ये हम यहाँ 13 फुट पे है लगभग, और जैसे आगे जैसे एरिया बड़ा है तो थोड़ा आगे ढाल हमने एक जगह ही लिया इसका। ये हमारा होगा, इसको बोलते हैं ममटी वाला। ममटी? हाँ ये भी हमने पूरा बड़ा बनवाया है। मतलब एक तरह से बैठक के आराम से बैठे। हाँ, बैठक की मानो इसे भी बारिश वारिश से बचने के लिए। बारिश वारिश से बचने के लिए। और फिर जो है हम इधर आगे जी, ये क्या नाम जो हमारा ये ऊपर हमने जो है पूरा एरिया ये हमने घास लगवाई है बाहर बाउंड्री पे। हाँ जी, और ये रेलिंग सब हमने 304 लगवाई है। अच्छा डिजाइनिंग वाली पत्ती वाली है। हाँ, ये कमरा हो गया। अच्छा एक कमरा ऊपर आपने यहाँ दिया। हाँ, ये इसकी बराबर कमरा हो गया ये वाला। ये भी हमारा 15x20 का कमरा है जी। ये जिन्ना भी हमने अलग बनवाया बिल्कुल। अच्छा ये वाला भी? हाँ ये स्टील का बनवाया हमने। यो कितने का पड़ा होगा जी? ये हमारा 1.5 लाख रुपए का जिन्ना पड़ा। और आ जाओ ऊपर दिखाता हूँ तुम्हें। तो इसमें वजन कितना होगा जिन्ने? वजन तो इसमें लगभग ऐसा बैठा था जी मेरे ख्याल से 3.5-4 क्विंटल करीब। बनाने के बहुत पैसे लिए यार इसमें। वो भी मेरठ से बनवाया था? हाँ जी, मेरठ के कारीगर था, सब मेरठ के थे। हाँ तो जानने वाला होगा। हाँ जी, ये छतरी भी हमारी बहुत महंगी पड़ी यार, फाइबर की सीट है जी, ये 10,000 रुपए की पड़ी है। एक कमरा ये बनाया हमने ऊपर, ये 12x10 का कमरा है। इसमें भी टेल वेल लगा रखी है। हाँ टेल वेल सब वेल बढ़िया लगा, बढ़िया मजबूत करके। हाँ बढ़िया जी। और ये जो इधर मकान है जी, ये अपने पिताजी ने बनवाए थे जी, ये वाले। हाँ ये वाला मकान हमारा पुराना है, ये 1978 में हमारे पिताजी ने बनवाया था, महावीर सिंह मुखिया जी ने। अच्छा भैया कोई साइड बिजनेस भी है? साइड बिजनेस है, हाँ मैं फ्लैट बनाता हूँ। एक सरदना शिव शक्ति नगर काट रखा मैंने। आ जाओ परिवार के सदस्य, आओ परिवार के सदस्य को मिलवाता हूँ। ये बेटा है आपका जी, ये इसका नाम है जयेश मित्यागी जी, ये चुनमुन है। अच्छा ये आप, ये भूणी गाँव की भांजी है वैसे। और भैया ये हमारी भी चीज है, बबीता त्यागी नाम है इसका जी, और ये अनुष्का त्यागी है लड़की मेरी जी, और इसने DU से जो MSc मैथ ऑनर्स करा है इस बार जी, और ये PhD की तैयारी कर रही है जी, नेट का पेपर देगी, दे दिया ने अभी पीछे। और ये भी हमारे परिवार का सदस्य है जी, ये मेन मेंबर है जी। हाँ जी मेन है जी, ये तो इसको सबसे पहला इसी को दूध और रोटी मिला है हमारे यहाँ। शेरू बोल रहे जी वैसे इसे।
ये पीछे हमने जो ट्रैक्टर वैक्टर के लिए बनाया है, ट्रैक्टर खाद वाद अपना सब बाहर देना, इसमें रख लो ट्रॉली सब वगैरह इसमें रख लो। 1500 का ये हमारा वो है गैलरी टाइप। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये 20x18 का हमने कमरा बनाया है। तो इसमें क्या रखा जी? इसमें सरसों धरी भाई, और ये नाज धरा, और ये ट्रैक्टर है जी। ट्रैक्टर कितने साल पुराना जी? ये ट्रैक्टर हमारा 2008 मॉडल है। 2008 जी। अच्छा। और देखो ये जो घोंसला बन रहा है, ये हमारे यहाँ मकान में इसमें कम से कम 12-13 चिड़िया है जो यकी पैदाश है। यकी? हाँ, जब सब मकान बनाना चालू करा जब सब 12 चिड़िया हो गई, इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। अच्छा, शुरुआत से ही है। जी जी। तो घर के सदस्य हैं ये भी? हाँ बिल्कुल, परिवार है हमारा। ये अनकम्प्लीट है, इसमें पार्क बनाओगे, झूला वूला डलवाओगे बैठने के लिए जी। और ये हमारा पशुओं का हो गया जी। ये घर की कटिया है हमारी, मिसिज ने पाल रखी जी, घर की है हमारे दोनों। अच्छा 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 अच्छा। और ये कितना दूध देते हैं जी? इसलिए पहलवान ने दिया जी 12 किलो दूध। ये हमारा गणासा होगा जी, चारा वगैरह पशुओं के लिए। हाँ। और ये भूस के लिए होगा जी। तो भैया खेती वगैरह कितनी होगी जी? खेती 50x40x42 बीघे जमीन है जी मेरे पे। अच्छा, ये मैं खाट के बारे में जानना चाहूंगा भैया। खाट? खाट भैया हमने स्टील की बनवाई है, 304 होती है जी। और जो है लगभग 16 किलो की खाट है हमारी जी, तो 10 खाट बनवा रखी है हमने। कहाँ से बनवाई थी? ये सरधना बनवाई थी, एक मिस्त्री है। अच्छा भैया, ये जो मैं गेट देख रहा हूँ, इसकी वजन कितना होगा इसमें? इसमें लगभग ये 3.25 क्विंटल के आसपास एक था, एक मतलब 17 फुट का गेट है जी। तो ये हमारा ऐसे ही बैठा था, मेरे ख्याल से 7.5 क्विंटल करीब, 3.25 लाख रुपए करीब बैठा। इसमें अच्छा। लेजर कटिंग ये अलग लगवाई फिर। अच्छा, ये वाली? हाँ, दो गेट हो गए इसमें, ये वाला हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें भी वही लेजर कटिंग दे रखी है। 6 दुकान यहाँ बना रखी है, दोपहर में बंद हो जाती है जी। ये पिंचर की दुकान है, सब सुविधा है, पिंचर की भी है, डॉक्टर की भी है, और हलवाई की भी है, खाद बीज की भी दवाई है, दवाई की दुकान भी है। ये बैंक की बिल्डिंग भी हमने बना रखी है जी। ये पहले तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था जी, अब ये PNB में कन्वर्ट हो गया जी। तो ये भी रेंट पे दे रखा है। ये क्या नाम जो हमारा भाई है, ये विनोद त्यागी है। क्या नाम जो है, ये दो भाई है, एक भाई जो गाजियाबाद में नौकरी करता है, वही हमने अपना फ्लैट बना रखा है। और ये हमने बैंक में जनरेटर लगा रखा है। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये किराए पर लगा रखा है, बिजली हिस्से जाती है इसकी। कितने एरिया में होगा जी ये? टोटल एरिया तो हमारा लगभग 2300 गज है, 2.5 बीघे करीब है जी, 2.25 बीघे करीब जी। और हमारा जो लैंड जो स्क्वायर फुट है हमारा 10,000 स्क्वायर फुट है जो छपा हुआ है। भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।